अर्धविराम। इसमें लिखो इसका प्रयोग ठहराव के लिए किया जाता है, लेकिन ठहराव कम होता है। आप इनको लिख लो, सीईटी में भी एक परीक्षा में आया था, अल्पविराम अर्धविराम। आगे लिखो इसमें प्रधान उपवाक्य के अधीन अनेक आश्रित उपवाक्य हों। अनेक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य जानते हो ना आप? जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहकने लगे, सूर्योदय हुआ पक्षी चहकने लगे और प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। आगे है संयुक्त व मिश्रित वाक्य, जो विपरीत अर्थ देते हैं वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं पेड़ उन्हें फल देते हैं। पहले क्या कर रहा था तो मैं क्या करूं? अनेक उपवाक्यों पर
अधिक जोर देते समय क्या नहीं, जैसे अनेक उपवाक्यों पर अधिक जोर देते समय मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। अब यहाँ पर जो ही शब्द है वो क्या कर रही है, जोर देने का काम कर रही है। मेहनत ही जीवन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विराम चिन्ह। ही क्या करती है, शब्द के ऊपर जोर देती है। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। समानाधिकरण, उपवाक्यों के मध्य उपवाक्यों के बीच जब कोई योजक चिन्ह न हो। नहीं होता है समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई योजक चिन्ह नहीं होता है, जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में इस तरह का। छोटा सवाल, जैसे छोटा सवाल बड़ा सवाल, छोटा सवाल बड़ा सवाल। परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य, मानव जाति का भविष्य।
अगला लिखो पूर्ण विराम। एक वाक्य की समाप्ति पर दोहा, चौपाई व सोरठा के अंत में दोहे का उल्टा होता है सोरठा। वाक्य की समाप्ति पर दोहा, चौपाई व सोरठा के, अभी तो बोला था मैंने कि दोहा का उल्टा होता है सोरठा। देखो दोहा में क्या होता है, 13-11 पर यति होती है, जो आपके मतलब का भी नहीं है, साहित्य की बात है। 13 मात्राएं होती हैं, उसके बाद में दूसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी, 11, फिर तीसरे चरण में फिर 13 और फिर चौथे चरण में 11। तो 11-13 पर यति होती है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। अब सोरठा में उल्टा हो जाता है, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा। वाक्य की समाप्ति पर जैसे राम जयपुर जाता है, दोहा, चौपाई, सोरठा, कोई चौपाई आती है क्या आपको? चौपाई है ये, साथ के साथ उतार लो। कुछ नहीं कर रहे तो स्याही डलवा लो। चारों जुग परताप तुम्हारा, जुग है ये, जुग का मतलब युग होता है, हाँ। तो मतलब ये
तो अभी इसको नॉलेज ही नहीं है क्या करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि दोहा सोरठा दोहे का उल्टा होता है, फिर वो पूछ रहा है कि क्या होता है सोरठा, दोहे का उल्टा होता है। नहीं, बात ये है कि ध्यान नहीं देते आप, ध्यान नहीं देते। विद्यार्थी जो होता है उसकी कान और आंख दोनों एक साथ चलनी चाहिए, ऐसे नहीं उतार रहे हो तो फिर सुना नहीं। नहीं पूछो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार पूछो, लेकिन पूछने का मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, आप ध्यान नहीं देते। आगे हैं प्रश्न सूचक, मिटा दूं क्या? जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न सूचक शब्द का प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखो जैसे आप कौन सी नौकरी लगना चाहते हो, जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर कौन सा आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह, जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पर क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। आगे है संबोधन चिन्ह, संबोधन ध्यान रखना, पूर्ण विराम के नीचे अगर बिंदी होती है तो वो क्या होता है, संबोधन। संबोधन चिन्ह। आगे देखो, इसमें लिखो जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए Thank you.
जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, आगे क्या लिखे रहे हैं? जैसे आप कष्ट में हो, भगवान को बुला रहे हो, तो क्या लिखोगे? हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी नैया पार लगाओ। मोहन, राधे, इधर आओ। विस्मय सूचक चिन्ह, ये दोनों समान होते हैं, संबोधन और विस्मय सूचक। विस्मय सूचक कहाँ लगाते हैं? अगर क्यों सुना ऐसे आई, देखो मैंने अलग अलग क्यों लिखवाया, पहले समझ लो। अगर क्यों सुनिए आ जाए कि संबोधन चिन्ह कहाँ लगता है, तो आप उसमें ऑप्शन आएंगे अलग अलग, तो आप ये कहेंगे जब किसी को पुकारा या बुलाया जाता है तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? संबोधन चिन्ह। और विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जहाँ शोक, घृणा, नफरत, दुख, आश्चर्य, होता है। जहाँ शोक, घृणा, प्रेम, नफरत, आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, कोष्टक में लिख देती हूँ खुशी, हर्ष, खुशी, भय होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले इसको समझ लो भैया, उतारना बंद करो, पहले समझ लो। देखो प्रश्न सूचक तो बिल्कुल सरल आप लगाते भी आए हैं, जहां पर क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है, वहां पर क्या लगाया जाएगा? प्रश्न सूचक। अब देखो पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जब हम कोई बात कह रहे हैं और हमारी बात क्या हो गई है? पूरी हो गई है। जब हम कोई बात किसी को कह रहे हैं और वह बात क्या हो गई है? पूर्ण हो गई, पूरा वाक्य हो गया। तो जैसे ही वाक्य पूर्ण होता है तो हम क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं। पूर्ण विराम कैसा होता है? इस प्रकार से, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका, तो वाक्य पूरा हो गया, तो पूरा होते ही हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर देखो प्रश्न सूचक, जब वाक्य में क्या पूछा जाता है? प्रश्न, तुम कहाँ रहते हो? तो उस वाक्य के बाद में अगर मैंने ये कहा कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फिर मैंने लिखा तुम कहाँ रहते हो, और फिर मैंने लगा दिया पूर्ण विराम, तो ये वाक्य ही क्या हो गया? यहाँ पर विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए था? प्रश्नवाचक। समझ गए ना? अब देखिए, अगर यहाँ पर है कि मोहन तुम कहाँ जा रहे हैं, तुम जा रहे हो,
तुम जा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लगा दूँ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये वाक्य क्या हो गया? यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पूर्ण विराम। तो ध्यान रखना, जहाँ वाक्य पूरा हो रहा है पूर्ण विराम, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पृथ्वी सच में घूमती है? क्या पृथ्वी सच में घूमती है? तो इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे? घूमती है के बाद में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे बोलूं कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, तो क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। फिर देख आगे आता है संबोधन चिन्ह। संबोधन का मतलब होता है, संबोधन का अर्थ ही ये होता है कि हम किसी को संबोधित करें, हम किसी को क्या करें? संबोधित। जैसे मैंने कहूं अरे इधर आ, अरे इधर आ, तो क्या कर दिया? संबोधित। या फिर कहे राधे इधर आ, मोहन इधर आ, या माताजी खाना बनाओ, तो आपने किसको संबोधित किया खाना बनाने के लिए? माँ को। पिताश्री आप ऑफिस जाओ, तो आप किसको कह रहे हैं? पिताजी को। तो वहां पर भी कैसा आएगा? अगर क्वेश्चन आता है कि संबोधन चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, तो संबोधन चिन्ह जहां पर शोक घृणा नफरत दुख आश्रय हर्ष होता है, वहां पर संबोधन चिन्ह नहीं होता उसको। तो चिन्ह दोनों समान है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? विस्मय सूचक। यानी जहाँ क्या हो? आश्चर्य। जहाँ संबोधन किया जाता है, जैसे आप किसी छोटा बच्चा खेल रहा है, अरे पत्थर को फेंक, उसके हाथ में जैसे पत्थर है और उसने उठा लिया तुम्हारे ही मारने के लिए, तो आपने उसका हाथ पकड़ा और ऐसे बोला अरे पत्थर फेंक, तो अरे के बाद में क्या आएगा? संबोधन चिन्ह। समझ गए ना? जैसे मैंने कहा हे प्रभु, अब हमने किसको याद किया, किसको संबोधित किया? प्रभु को। मेरी नैया पार लगाओ। अब यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया तो क्या लगेगा? पूर्ण विराम। यहाँ नहीं लगेगा विस्मय विबोधक चिन्ह, ध्यान रखना। फिर देखो राधे, किसको संबोधित कर दिया? राधे को। तो जिसको संबोधित करते हैं उसके तुरंत बाद में लगता है ये, इधर आओ। वाक्य पूरा हो गया तो क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। अब देखो विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ लगता है? सेम होते हैं संबोधन और विस्मय सूचक, जहाँ या तो क्या हो हमें दुख। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। शोक का मतलब है दुख। किसी ऐसी बात को सुने जिससे हमारे हृदय में क्या पैदा हो जाए? दुख। जैसे किसी ने आपको ये कहा कि अरे यार आप तो फेल हो गए, तो आप अचानक से बोलो हाय राम फेल हो गया, हाय राम। अब ये जो शब्द है ना हाय, ये शब्द क्या प्रकट कर रहा है? दुख प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? दुख। तो जहाँ पर या तो दुख हो या फिर क्या हो? घृणा। घृणा जानते हो आप, जैसे आपने कहा छी छी क्या पड़ा है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आगे देखो नफरत, क्या हो? नफरत। नफरत का मतलब क्या होता है? हमें किसी व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाती है, उससे हम दूर रहना चाहते हैं, उसका पास रहना हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी कोई भी गतिविधि अच्छी नहीं लगती, तो उसको क्या कहेंगे? नफरत। फिर देखो शोक का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब नहीं नहीं आश्चर्य का मतलब विस्मय, कि हम किसी बात को सुनकर हमारे अंदर ये हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भाव पैदा हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा अरे सुनो, ये तो क्या हो गया? अरे सुनो, ये क्या हो गया? आज रीजनिंग वाले सर है ना, तीसरी मंजिल से छलांग लगा गए, तो अब आप ये, अब तो आपको हंसी आ रही है, लेकिन सच में ऐसा हो जाए और फिर आपको गंभीर अवस्था में बताया जाए कि ऐसा हो गया आज, तो आपको क्या होगा कि ऐसे लगते तो नहीं थे, ठीक है। तो हम आपको क्या हो रहा है? आश्चर्य। फिर देखो हर्ष। हर्ष यानी खुशी। खुशी का मतलब जैसे आपको ये कह दें कि आप, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो आप एकदम से ऐसे हुर्रा, अरे अरे वाह, ठीक है। भय, जहाँ क्या हो? भय।
वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर डर हो, भय हो, दुख हो, हर्ष हो, ठीक है, आश्चर्य, डर तो किसी से भी लग सकता है। अगर आपको कोई अभी ऐसे आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति अगर आपको जोर से बोल दे अचानक से हाउ, तो ही डर जाएगा। हाँ, उदाहरण लिखो, जैसे अरे मैं पास हो गया, मतलब उम्मीद ही नहीं थी, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा और फिर मैं क्या हो गया, पास। तो क्या हो गया, आश्चर्य, और आश्चर्य के साथ में हर्ष भी है। हर्ष यानी हाय राम, हाय राम मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, जैसे आपने अपने जीवन का सारा समय किसी को दे दिया, ठीक है, और सारा समय दे दिया, दिन रात उसके लिए काम कर रहे हो आप, और फिर आपको पता चला कि किसी, ठीक है, तो समझो मतलब किसी वो धोखा दे दिया आपको, तो आप क्या कहेंगे, हाय राम मैं क्या है, कैसी स्थिति है, शोक, ठीक है, छीछी, यह अवतरण चिन्ह वाला आया था भैया परीक्षा में भी, है ना, अवतरण चिन्ह वाला ऐसे कैसे उठा लिया उन्होंने। आपको पता है ना कहाँ लगेगा, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, हर्ष या खुशी का होता है उसी के तुरंत बाद में लगता है, और वाक्य पूरा हो जाता है तो क्या लग जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है, अवतरण चिन्ह। अगला, अवतरण चिन्ह ये दो प्रकार का होता है भैया, इसमें लिखो जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, तो अवतरण, कोष्टक में लिखो भैया उद्धरण, या फिर इसको कहते हैं ऊपरी विराम।
अवतरण चिन्ह कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चलो एक उदाहरण लिख लो इसके सामने। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? क्या कहा? तुम मुझे खून दो। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब देखो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब देखो आपने पूछा था ना कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं, इस वाक्य को और इस वाक्य को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने योजक चिन्ह लगा दिया। अब जोड़ने के लिए, क्योंकि ये भी अधूरा है, क्या कहा कुछ पता ही नहीं है, क्या कहा, अब इस वाक्य को जोड़ दो इससे, योजक चिन्ह से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब देखो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पर क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा। कब लगाते हैं? जब थोड़ा क्या होता है, विराम होता है और दो उपवाक्य, मुझे खून दो उपवाक्य, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उपवाक्य हो गया, दोनों को अलग कर रहा है ये कोमा। तो इसको देखो यहाँ हमने बंद कर दिया पूरे के पूरे को, जू का त्यों, उसने जैसा बोला वैसा ही लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा, साम्राज्य मेरा जन्म सिद्ध, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब इसमें लिखो आगे, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। टाइम बताना भैया, नहीं मेरी क्लास है वहाँ पे, टाइम बता दो, 15 मिनट है ना, 10 मिनट बाद में मैं चली जाऊंगी, बता देना। लिखो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। अब ध्यान दे यहां पर बोर्ड की तरफ देखो, अगर हम किसी का विवरण कर रहे हैं ना तो कैसा चिन्ह लग जाएगा, विवरण चिन्ह लग जाएगा। अब कितने प्रकार का, हम किसका वर्णन करेंगे कि अवतरण चिन्ह कितने प्रकार का होता है, तो विवरण चिन्ह लग जाएगा। पहला लिखो इकहरा। इकहरा कैसे होता है, सिंगल इनवाइटेड कोमा होता है इस तरह से, ठीक है। एक है दुहरा, इस प्रकार से हो जाएगा ये इकहरा और दुहरा। क्या ये वाला, तो इसको पढ़ रहे हैं ना आगे, अभी तो लिखवाया ही तो है। इकहरा उद्धरण चिन्ह इसमें लिखो जब, इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखो भैया जब,
किसी के कथन को जब किसी कवि लिख दो, जब किसी कवि कर लो, जब किसी कवि का उपनाम, जब किसी कवि का उपनाम, उपनाम जानते हो ना, जैसे जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर तो नाम हो गया, प्रसाद उसका क्या हो गया, उपनाम हो गया। फिर देखिए महादेवी, जयशंकर प्रसाद, सुनो कीका, कीका टीका नहीं, कीका, हाँ कीका, तो महाराणा प्रताप उपनाम क्या हो गया, कीका। फिर जैसे हरिवंश राय, फिर उसका जो वो लगाते हैं ना, गोत्र लगा रहे हैं वो, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो उसका उपनाम क्या हो गया, बच्चन। फिर देखो रामधारी सिंह दिनकर, तो ये दिनकर क्या है, उनका उपनाम। फिर देखो सूर्यकांत त्रिपाठी, ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी तो उसका नाम हो गया, और निराला उसकी उपाधि है, उपनाम दिया है लोगों ने, तो क्या हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, जैसे कोई, जैसे रामायण है, महाभारत है, पत्र पत्रिका का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, या पुस्तक का नाम है, उपनाम है, लेखक कविता का शीर्षक, लेख या कविता का शीर्षक, लेख या कविता का शीर्षक, आदि का उल्लेख करना हो, आदि का उल्लेख करना हो, देखो इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, या तो किसी कवि का क्या हो, उपनाम हो, मैंने अभी आपको समझाया है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, अब इसका उपनाम क्या है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये इस निराला को ये उपनाम हो गया कवि का निराला, तो निराला को हम किस में करेंगे, सिंगल इनवाइटेड कोमा में, सिंगल इनवाइटेड कोमा में बंद कर देंगे। फिर ऐसे ही देखो दूसरा, हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन को हमने कर क्या कर दिया, इनवाइटेड कोमा में बंद कर दिया। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, अब इनका उपनाम क्या है, दिनकर, जैसे मैथिली शरण गुप्त, तो किसी भी कवि का उपनाम होगा वो सिंगल इनवाइटेड कोमा में बंद होगा, ध्यान रखना, जैसे कोई भी कवि है या आप ही हो, जैसे आप लगाते हो अपने नाम के आगे, ठीक है, आपके नाम के आगे कुछ लगाते हो आप, जो आप विशेष अलग पहचान बनाते हो, तो उसी को हम किस में करेंगे, इनवाइटेड कोमा में, इकरा यानी सिंगल। फिर देखो पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम जैसे रामायण, रामायण, महाभारत, हमारे
आधार ग्रंथ है? तो रामायण महाभारत किस में आ जाएगा भैया? सिंगल इनवाइटेड कोमा में। राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ठीक है। जैसे राजस्थान दैनिक भास्कर, मैं सुबह राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ, तो राजस्थान पत्रिका को किस में बंद कर दोगे? मैं सुबह राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ, तो अखबार का नाम किस में दे दोगे आप? सिंगल इनवाइटेड कोमा में, सिंगल इनवाइटेड कोमा। जैसे कोई कविता है, कविता का नाम है, उसको भी आप किस में देंगे? सिंगल इनवाइटेड कोमा में। कैसे? देखो, झांसी की रानी कविता पढ़ी है क्या? किसकी है झांसी की रानी? नहीं, लक्ष्मीबाई का तो उसमें वर्णन है, लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो, लिखो, सुभद्रा कुमारी, अब इसमें दोनों में यूज करूंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी, झांसी की रानी कविता लिखी, कविता लिखी झांसी की रानी। अब झांसी की रानी को क्या करेंगे हम? सिंगल इनवाइटेड कोमा में क्या कर देंगे? बंद। झांसी की रानी, झांसी की रानी कविता तो आपने पढ़ी होगी सबने। बुंदेले हर बोलो कि मैं उसे, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। तात्या टोपो नहीं था, तात्या टोपे। आगे लिखो दूहरा, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। लिखो, लिखो वाक्यांश को उद्धृत करते समय, वाक्यांश को लिखते समय, वाक्यांश का मतलब समझ गए ना? वाक्य में अगर कोई विशेष अंश है, वाक्यांश का मतलब वाक्य में कोई विशेष अंश। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब ये तो वाक्य हो गया, अब इसका विशेष अंश क्या हो गया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर देखा आपने, जैसे किसी ने कहा, किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, फिर किसी ने कहा सिया राम मोए सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। ये क्या है, किसने कहा? अरे रामायण किसने लिखी है? रामचरितमानस का है ये। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो तुलसी की विशेष क्या हो गई? या वाक्यांश हो गया, ठीक। तो उसको हम क्या कर देंगे? इनवाइटेड कोमा। तो वाक्यांश को लिखते समय, अब इसके कोष्टक में लिख लो आप, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिख लो, जैसे
अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब, संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब है। आगे आप लिख लो योजक चिन्ह, पूछ रहे थे ना, लिख लो योजक, एक हेडिंग डाल लो योजक चिन्ह, ऐसे लगा लो, छोटा ही लगा ना, बड़ा लगा दोगे तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा वो। हाँ बोलो, इसको बंद कर दो।